आठवें चरण में 12 मई को बस्ती मंडल की 3 सीटों और सातवें चरण में 19 मई को गोरखपुर मंडल की 6 सीटों के लिए मतदान होना है। प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है, जिसमें भाजपा, सपा, बसपा गठबंधन और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। हर पार्टी और प्रत्याशी के अलग अलग दावे हैं, लेकिन इस आखिरी दौर में यह बता पाना मुश्किल हो रहा है कि नेताओं को चिलचिलाती धूप ज्यादा परेशान कर रही है या सियासत की गर्मी। हम तो किसान के बेटे हैं, गर्मी हमारे लिए कोई माने नहीं रखता। ये तो परेशानी जो एयर कंडीशन में 24 घंटा रहने वाले। यूं तो गोरखपुर बस्ती मंडल की हर सीट पर प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, लेकिन गोरखपुर सदर की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इसकी वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो मुख्यमंत्री बनने तक यहां से सांसद हुआ करते थे। इस सीट पर 1989 से भाजपा का कब्जा था, लेकिन पिछले साल उपचुनाव में सपा के प्रवीण निषाद ने उपेंद्र शुक्ल को हराकर इस सीट पर कब्जा कर लिया। इस बार भाजपा ने फिल्म स्टार रवि किशन, सपा बसपा गठबंधन ने पूर्व मंत्री रामभुवाल निषाद और कांग्रेस ने एडवोकेट मधुसूदन त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। तीनों उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर प्रचार में जुटे हैं। उनकी पार्टी के पदाधिकारियों नेताओं ने भी पूरी ताकत लगा दी है। इसका एक नजारा इन पार्टियों के दफ्तरों पर देखने को मिल रहा है। चुनाव शुरू हुए तो इस हाल को गोरखपुर बस्ती और आजमगढ़ मंडल की 13 लोकसभा सीटों के लिए वार रूम में बदल दिया। भाजपा ने अपने बेनीगंज कार्यालय को वार रूम में बदल दिया है। इस वार रूम में चुनाव प्रबंधन, कार्यक्रम प्रवास, प्रचार, आईटी, सोशल मीडिया सहित अलग अलग विभागों की मेजें लगी हैं। यहां से रणनीतिकार लगातार फील्ड में घूम रहे कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं। बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहले 5 चरणों के मतदान से खाली हो गए दूसरे जिलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं की जुटान है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा चुनाव संचालन का जायजा ले रहे हैं। यहाँ आईटी विभाग के लिए अलग से कोई दफ्तर नहीं है। नेताओं का दावा है कि उनके कार्यकर्ता अपने अपने मोबाइल से ही सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और उनकी पार्टी सोशल मीडिया पर अलग से कोई खर्च नहीं करती। जो छोटे छोटे नेता है, छोटे छोटे कार्यकर्ता पदाधिकारी है, वो अपने फेसबुक अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर एक्टिव है और अपने तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस ने ट्रांसपोर्ट नगर में अपना चुनाव कार्यालय बनाया है। यहाँ भी आईटी कार्यकर्ताओं की एक टीम तैनात है, जो मतदाताओं की सूची लेकर एक एक के मोबाइल नंबर पर फोन और एसएमएस के जरिए वोट देने की अपील कर रही है। आईटी विभाग मेरा करीबन 14-15 घंटा कंटिन्यू काम कर रहा है। 7 बजे से लेके 8 बजे, 9 बजे रात तक गोरखपुर के मतदाता को, सम्मानित मतदाता को फोन के माध्यम 41-42 डिग्री का तापमान, चिलचिलाती धूप, लेकिन मौसम की इस गर्मी से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सियासत की गर्मी झुलसा रही है। जीत हार का फैसला 23 मई को होगा, लेकिन चुनाव प्रचार का यह अंतिम दौर किसी भी राजनीतिक दल, उसके प्रत्याशी या कार्यकर्ता के लिए आसान नहीं है। अजय कुमार सिंह, लाइव हिंदुस्तान, गोरखपुर।